फर्नीचर हॉल जो अपना फर्नीचर खरीद के दिल नूं सुकून होया। मैं अपने दोस्त अहबाब नूं सब नूं इह अपना दावा दित्ती है कि तुसीं फर्नीचर हॉल तों अपना फर्नीचर खरीदो। मेरे रिलेटिव्स ने यहाँ से फर्नीचर हॉल पे खरीदारी की, उन्होंने फिर मुझे मशवरा दिया कि आप एक बार फर्नीचर हॉल्स का विज़िट करें। तो मैंने अपनी फैमिली के साथ फर्नीचर हॉल्स का विज़िट किया, तो मैंने यहाँ पे देखा कि एक छत के नीचे फर्नीचर्स की तमाम वैरायटी दस्तियाब है। तो मैंने फर्नीचर्स की ख़रीदारी की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा कंफर्टेबल फर्नीचर है। नाउ आई एम सेटिस्फाइड। रहमान रहीम, फैसलाबाद में हमारा फर्नीचर हॉल खोलने का मकसद ये था कि ये फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, लेकिन यहाँ फर्नीचर की कोई ऐसी अच्छी शॉप नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो हमारे रहने वाले लोगों को वो अच्छी क्वालिटी दे, ऐसा मेयार का फर्नीचर बना के दे कि जिस पर लोग अतमाद करें। क्योंकि फर्नीचर हमने नए घरों में इस्तेमाल करना होता है, पुराने घर में भी होता है, और ख़ास तौर पर खसूसतन हम शादी ब्याह को अपनी बेटियों को जहेज़ में देते हैं। अगर जहेज़ में दी हुई चीज़ अच्छी ना होगी तो हमेशा ये सारी उम्र का मसला रहता है लड़कियों को। इसलिए हमने कोशिश की कि फैसलाबाद में लोग जो लाहौर, चनियोड़ वगैरह या दूसरे बड़े शहरों का रुख करते हैं, उन्हें यहाँ मकाम पर एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड की जाए जिससे देख कर उनका दिल खुश हो और क्वालिटी भी अच्छी हो, और उसके साथ साथ हम सर्विस भी बहुत अच्छी देते हैं। खुद जाके घरों में हमारे लड़के जाके उनको फिटिंग करते हैं, उनकी पॉलिशिंग करते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट हो उनको दूर करते हैं। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस मकसद को कामयाब करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने जिद्दत और मेयार को हमेशा महफूज़ खातर रखने की कोशिश की है। हमारा मकसद अपने कस्टमर के दरमियान फर्नीचर की सूरत में खुशियाँ बखेरना होता है। हमें फ़ख्र है कि हमने कराची और लाहौर के बाद फैसलाबाद जैसे बड़े शहर के बड़े लोगों के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। फर्नीचर हॉल्स फैसलाबाद में लाने का मकसद यही है, लोग लाहौर, कराची और चनियोट जाने के बजाय अच्छी क्वालिटी, अच्छा मेयार और अच्छी चीज़ अपने होम टाउन में ले सकें। यहाँ ग्लास पॉलिश, शीशम, डीको आला मेयार का और अच्छी क्वालिटी में। फर्नीचर हॉल्स एतमाद का नाम, भरोसे का नाम। काम के अंदर मेरा 35 साल तजर्बा है, और ये बनाने से लेकर पॉलिश तक और पॉलिश से लेकर फिटिंग तक, यहाँ तक कि क्लाइंट को जो घर में सामान भेजा जाता है उसकी सर्विस और सर्विस के साथ फिटिंग, फिनिश, कोई भी किसी तरह का भी कोई काम खुदा ना खास्ता अगर ख़राब होता है उसको मैं खुद हैंडल करता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी अहम चीज़ जो है, अगर किसी को खुदा ना खास्ता घर में जाके कोई फर्नीचर में हमारे में कोई फॉल्ट आ गया या कोई छोटा मोटा मसला बन गया, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट हैंडल करते हैं। मैंने अपने नए घर के लिए फर्नीचर ख़रीदना था, जिसके लिए मैंने शहर के मुख्तलिफ शोरूम्स का विज़िट किया, और मेरी फैमिली के कहने पे मैंने एक बार फर्नीचर हॉल्स का विज़िट किया और यहाँ से मैंने फर्नीचर ख़रीदा, और मेरे घर की जो रौनक है वो दुबाला हो गई। और मैं आपके तवसत से
अपने तमाम दोस्त अहबाब और रिलेटिव्स को और कलीग्स को ये दावत देता हूँ कि वो एक बार फर्नीचर हॉल्स का विज़िट करें। जब मुझे पता चला कि फैसलाबाद में एक नया शोरूम आया है और उनके पास वैरायटी की एक लंबी जो है लाइन है, मैंने विज़िट किया, मुझे पता चला कि यहाँ पे क्वालिटी और वैरायटी को जो है ना वो बेहतर से बेहतरीन बनाया जा रहा है दिन ब दिन। तो मुझे अच्छा लगा, यहाँ पर फर्नीचर लिया, ख़रीदा, अब घर में लगाया है, सेटिंग बहुत खूबसूरत बन गई है घर की, एंड नाउ आई एम रियली हैप्पी। और मेरी कोशिश है कि मैं सभी दोस्तों तक ये मैसेज पहुंचाऊंगा कि यहाँ से फर्नीचर खरीदा जाए। जो लोग अक्सर जाते हैं लाहौर से, अच्छा मटीरियल मिलेगा, जब रावलपिंडी से, जब इस्लामाबाद से, या मुल्तान से, चनियोट का इलाका भी है, तो मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आके इधर फर्नीचर हॉल पर अपनी शॉपिंग करें और अच्छा मटीरियल भी है और किराया भी आपको बचेगा और कीमत भी उससे कम है और मटेरियल भी अच्छा मिलेगा। फर्नीचर हॉल्स मायार जो बने एतमाद, अल मदीना टावर नियर मिसाकुल मॉल, शेखुपुरा रोड, फैसलाबाद।